हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक एमआर कुमार टेक्नीशियन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे पास एक बेस्ट टू प्रिपेयर के लिए आया है, तो मैं आपके लिए आज एक बेस्ट टू के बारे में वीडियो पेश करने जा रहा हूँ, ताकि ये बेस्ट टू जो है किस बेस पे काम करता है, किस तरीके से इसका जो है सर्किट काम करता है, इस बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास बैटरी नहीं है, मेरे पास ये 12 वोल्ट 10 एम्पियर का पावर सप्लाई है, जो मैंने इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राउंड, रैम और 12 वोल्ट। तो ग्राउंड पे आप मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर रखा है और रैम और 12 वोल्ट को दोनों को एक कर रखा है। तो यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये सर्किट किस तरीके से काम करता है मैं आज आपको फुल डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और शेयर लाइक ज़रूर करें। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मीटर को जो है डीसी वोल्ट पे कर लिया है, और सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो मैं इसका पावर ऑन कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मैंने पावर ऑन किया और यहाँ पर जो है इसका रेड इंडिकेटर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चेक करा देता हूँ, यहाँ पर हमें 12 वोल्ट प्रॉपर अवेलेबल मिल रहे हैं और यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर ये फ्यूज़ भी एकदम ओके होना चाहिए। यहाँ पर आप इसको निकाल के जो है चेक कर सकते हैं। तो मेरा जो फ्यूज़ है वो ओके है, तो मैं इसमें वापस लगा दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो ये मार्कर पेन से काफ़ी सारे जो वोल्टेज है वो पहले से लिख के रखे हैं, ताकि आपको बताते समय मेरे को ज़्यादा टाइम ख़राब ना हो और वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ पर ये ग्राउंड है और यहाँ पर सबसे पहले इसका जो 12 वोल्ट प्लस लिख रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें 12 वोल्ट मिलना ज़रूरी है, तो यहाँ पर 12 वोल्ट ओके है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यही 12 वोल्ट जो है, यहाँ पर ये चार डॉट देख सकते हैं, ये चार डॉट जो है, यहाँ पर एक क्वाइल लगा हुआ है इसका, यहाँ पर ये इसके 8 पॉइंट है। तो यहाँ पर ये क्वाइल के जो है 12 वोल्ट यहाँ पर इनपुट यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर ये इनपुट होकर यहाँ दोनों वाले पिनों पे वापस यहाँ से आउटपुट हो जाता है 12 वोल्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं मॉस्फेट। तो यहाँ पर ये जो दो मॉस्फेट लगे हुए हैं, इन्हीं पे ये 12 वोल्ट इनपुट होना है, ये इसका ग्राउंड है और यहाँ से ये 12 वोल्ट इनपुट होके इसका जो सेंटर वाला पिन है यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट ओके है। अब यहाँ पर जो इसका ये जो साइड वाले पिन है, यहाँ पर 4.4 मतलब 4 वोल्ट के समथिंग, यहाँ पे 5 वोल्ट के समथिंग अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका 5 वोल्ट भी एकदम ओके है। और यहाँ पर ये दो पॉइंट है स्पीकर के, यहाँ पे कनेक्शन मैंने मार्क करके रखे हैं। अब ये लाइन जो 12 वोल्ट का जो इस ट्रांसफार्मर में जाएगा, तो यहाँ पर ये कैपेसिटर 12 वोल्ट ही है और गाड़ी में 12 वोल्ट ही अवेलेबल होता है, लेकिन बट यहाँ पर एम्पलीफायर जो है ये बेस्ट टू का, इसको ऑपरेट होने के लिए 35 वोल्ट की सप्लाई होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो 35 वोल्ट के मेन फिल्टर लगे हुए हैं, और यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये जो 35 वोल्ट है ये किस तरह बनते हैं। तो यहाँ से ये 12 वोल्ट इनपुट, ये एक आईसी है, यहाँ पे एक आईसी लगा हुआ है जिसके नंबर है यहाँ पर TL494CN। तो ये आईसी जो है यहाँ स्विचिंग का काम करती है, ये स्विचिंग जब करेगी इसमें 12 वोल्ट का सप्लाई जाएगा, तो ये ट्रांसफार्मर है यहाँ पर, ये 12 वोल्ट से इसको 35 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि 35 वोल्ट बना देगा। तो ये किस तरह से 35 वोल्ट बनाएगा, तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट जब यहाँ से, यहाँ पर 12 वोल्ट है और यहाँ पर इस पिन पे और यहाँ पर ये दोनों पिन, इनको आपस में शॉर्ट कर रखा है, तो यहाँ पर ये 12 वोल्ट मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 वोल्ट यहाँ पर आईसी पे पहुँच चुके हैं। तो मैं मीटर को यहाँ पर एसी मोड पे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एसी का लाइन का सिग्नल बना रखा है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 वोल्ट एसी आउटपुट कर रहा है। अब यहाँ पर डीसी में करते हैं, तो यहाँ पर ये डायोड लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर टाइप में, तो यहाँ पर जो है इसका -33 वोल्ट अवेलेबल आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पर ये
तैतीस वोल्ट के समथिंग प्लस पे यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर ये माइनस वाला जो है 33 वोल्ट, यहाँ पर ये यहाँ पर फिर एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया है, फिर यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया है। तो यहाँ पर प्लस में 33 वोल्ट इस मॉस्फेट पे मिलना चाहिए और यहाँ पर जो है इस मॉस्फेट पे 33 वोल्ट माइनस है। तो यहाँ पर एम्पलीफायर जो इसका बनेगा, वो एम्पलीफायर आउटपुट बनाने के लिए यहाँ पर B688 और B718 मॉस्फेट यूज किया है। तो यहाँ पर यहाँ तक हमारा हो चुका है, मॉस्फेट पे सप्लाई ओके हमें मिलना जरूरी है, तभी हमारा जो है बेस्ट ऑफ एम्पलीफायर वर्क करेगा। यहीं पे दो ये लाइन जो है 33 वोल्ट माइनस, एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये माइनस में और यहाँ पर ये 33 वोल्ट प्लस में। तो यहाँ पर भी दो ट्रांजिस्टर यूज किया है। इसका नंबर जो है मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये है 2383 और ये सेकंड वाला जो ट्रांजिस्टर है 8 10 13 के नंबर इसके ट्रांजिस्टर के हैं। तो यहाँ पर भी इसमें प्लस 33 वोल्ट इनपुट होना अनिवार्य है और यहाँ पर माइनस 33 वोल्ट। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये यहाँ से जब ओसिलेशन इसका जो ऑडियो आउटपुट जाएगा तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूल करेगा, तो यहाँ पर जो है ये एम्पलीफायर वर्क करेगा। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा जो बेस्ट ट्यूब का एम्पलीफायर है वो वर्क करता है। तो आप अगर कभी भी रिपेयर करते हैं तो बेसिक जो मैंने जिस सिस्टम से बताया वहाँ वहाँ वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है, तभी आपका बेस्ट ट्यूब जो है अच्छे से वर्क करेगा। और यहाँ पर ये जो सेक्शन दिया है मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर ये ऑडियो इनपुट का जो पिन है यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ स्विच है और यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है प्री एम्पलीफायर के लिए। यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर के द्वारा यहाँ पे ओसिलेशन इसको दिया जाता है और यहाँ पर ये इस तरीके से जो है हमारा बेस्ट ट्यूब काम करता है। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं आपकी अधिक से अधिक हेल्प कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।